हेलो बच्चों बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इसमें लिखा हुआ है कि चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। बच्चों, हमें इसमें बताना है कि 6 की पावर n, यहाँ पे कोई भी हमारी नेचुरल पावर हो सकती है। एन जो है वो हमारा 50 हो सकता है, 60, 70, 33, 40 कुछ भी हो सकता है। सपोज 6 की पावर हमने 33 किया, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक आंसर आएगा और हमें बताना है कि उस आंसर में लास्ट में जीरो है या नहीं। आप 6 की पावर 1 करें तो बच्चों 6 आएगा, 6 की पावर 2 करें तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 करें तो बच्चों 216 आएगा। मतलब आपने बताना है कि 6 की पावर कितनी भी हो, लास्ट में जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर और उसकी चाहे कितनी भी पावर हो, वो लास्ट में जीरो तभी देगा जब उसके नंबर में 2 और 5 का मल्टीपल होगा। मतलब उस नंबर में 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए, कंपलसरी है। अगर उसमें 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो वो नंबर चाहे उसकी कितनी भी पावर हो, वो जीरो पे एंड कभी नहीं होगा। आपको मैं दिखाऊं, सपोज मैं 8 लेता हूं, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512। बच्चों, क्योंकि 8 के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 8 के अंदर 2 का फैक्टर तो है लेकिन बच्चों 5 का फैक्टर नहीं है। दोनों होने जरूरी हैं तभी कोई नंबर एंड में जीरो को रिलीज करेगा। आपको मैं दिखाऊं, आप कोई ऐसा नंबर ले लें, आप 40 ले लें, 40 की पावर 1 40, 40 की पावर 2। देखो बच्चों, इन नंबरों के एंड में जीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आप देखें यहाँ पर इसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर हैं, इसलिए ये नंबर लास्ट में, इसकी पावर आप कितनी भी कर लो, लास्ट में जीरो जरूर आएगा। और जिसमें 2 और 5 ना हो उसमें कभी भी जीरो नहीं आ सकता। तो बच्चों, ये एक रूल होता है, इस रूल को हमें लगाना है और इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक हम इसे बोलते हैं। तो बच्चों, इसमें मुझे चेक करना है 6 की पावर n में लास्ट में जीरो आएगा या नहीं आएगा। मैं लिखूंगा बच्चों यहां पे, सिंस अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक, एनी नंबर, एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इफ इट हैज फैक्टर 2 एंड 5 बट 6 रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू 6 2 इंटू 3 रेज टू पावर n बट 6 रेज टू पावर n हैज only factor 2 and 3 so 6 raised to power n never ends with digit 0। बच्चों, ऐसे थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, आपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्रेस करना है, आपने बस लैंग्वेज में ही लिखना है, लैंग्वेज में आंसर देना है, आपने बस
अपनी भाषा में ये बताना है कि इसके अंदर 2 और 5 का फैक्टर नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक दिस नंबर यानी कि इट नेवर एंड विद द डिजिट 0, ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा. तो बच्चों अपनी 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 लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं, ये मैंने आपको लिखा दिया है. इस तरीके से आप इसका आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो बच्चों इसका इस टाइप का क्वेश्चन एग्जांपल भी एनसीईआरटी में 4 is to power n, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से. तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तब तक बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. गुड बाय, थैंक यू.